हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर 6 है क्लास टेंथ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया है, तो वो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना है कि क्या है, क्या पूछा जा रहा है बार बार। 80% ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बार 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 बार, ये चीज में कैसे जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, वो क्या कह रहे हैं कि डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म, डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। सिंपल से मैंने क्या बताया था कि मान के चलो एक प्लांट है, ये ड्रॉइंग पे मत जाना भाई, ये एक प्लांट है और यहां बेटा क्या है, सन है यानी लाइट आ रहा है। अब जो अपर पार्ट है बेटा, इसे बोलते हैं शूट। क्या बोलते हैं? शूट। और नीचे वाला क्या है? रूट। अगर बेटा मैं शूट की मूवमेंट देखूं तो वो कहां है? टुवर्ड्स द सन, यानी जो हमारा सन है उसी के टुवर्ड्स शूट की मूवमेंट हो रही है और रूट उसके अपोजिट मूवमेंट कर रहा है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट यही है कि जब प्लांट लाइट के रिस्पांस में मूव करे उसके टुवर्ड्स या उससे अवे, तो उसी को हमारा क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। जैसे शूट हमारा कर रहा है लाइट के टुवर्ड्स, तो बेटा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट की बात करूं तो वो अवे फ्रॉम सन, तो क्या होगा ये बेटा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है बेटा? ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन, क्योंकि यही इलोंगेशन ऑफ स्टेम करता है, यही उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा? यही था फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट डिफाइन जियोट्रॉपिज्म। क्या है बेटा? जियोट्रॉपिज्म। और ड्रॉ लेबल डायग्राम। सिंपल, पहले बताओ लेबल डायग्राम देखो, ये एक प्लांट है बेटा, ध्यान देना, फिर वही बात, ड्रॉइंग पे मत जाना भाई मेरी। ठीक है, देखो बेटा जियोट्रॉपिज्म में मतलब ही किसका है? पूरा ग्रेविटी का। किसका बेटा? ग्रेविटी का। ग्रेविटी मेरा बेटा किस साइड लगती है? नीचे साइड। किसकी साइड? टुवर्ड्स दी अर्थ, नीचे की साइड। अगर इस प्लांट को देखो तो ये जो रूट वाला पार्ट है ये भी किस साइड ग्रो कर रहा है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी भी किस साइड होती है? नीचे की तरफ। दोनों सेम, तो इसे बोलेंगे बेटा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं अगर बेटा इसकी बात करूं प्लांट के अपर पार्ट की, शूट की, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यानी अपोजिट है, तो इसे बोलेंगे बेटा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये तो मैंने आपको बता के बता दिया। लिखा क्या? द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, अपवर्ड में, और डाउनवर्ड में पॉजिटिव। बना दिया ये क्लियर? नेक्स्ट बढ़े, क्या बोल रहे हैं? मेंशन थ्री मेजर रीजंस ऑफ द ब्रेन, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। सबसे पहले ब्रेन क्या है बेटा? ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है वो क्या है? ब्रेन। क्लियर ये बात? ठीक है। अब जिस तरीके से हमारी आंख बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। जिस तरीके से आंख को बचाने के लिए हमारा क्या था? विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये सारी चीजें, उसी तरीके से ब्रेन को बचाने के लिए भी एक क्या होता है? स्कल। एक ब्रेन बॉक्स होता है और उस ब्रेन बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? जो हमें किसी भी शॉक से हेल्प करता है बचने में, वो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेनली जो ब्रेन के पार्ट डिवाइड किए गए हैं वो किए गए हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में बेटा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब क्या है इनके अंदर वो समझते हैं। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में मेनली दो चीजें हैं, सेरेब्रम और ऑलफैक्टरी लॉब्स। क्या क्या है? सेरेब्रम और ऑलफैक्टरी लॉब। और ये सेरेब्रम या फिर ये फोर ब्रेन ही सबसे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। जो भी मैं लर्न कर रहा हूं, मेरे इमोशंस आ रहे हैं, मैं कुछ सोच पा रहा हूं, ये सब सेरेब्रम की वजह से होता है। दूसरा ऑल फैक्ट्री लॉब्स। ऑल फैक्ट्री लॉब्स क्या? ऑल फैक्ट्री से ही क्लियर हो रहा है, सूंघना।
मतलब अगर मेरे को स्मेल डिटेक्ट करनी है उसमें भी यही काम करता है। क्लियर है बेटा? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या करता है, जो भी मेरे इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो भी मेरे इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे मेरे को यहां गर्म लगा, यहां हाथ रखा अचानक और यहां गर्म लगा, अपने आप हट जाएगा हाथ, में सोचूंगा नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये होता है बेटा मिड ब्रेन की वजह से। किसकी वजह से? मिड ब्रेन की वजह से। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, ये सारी चीजें। हिंड ब्रेन क्या होता है बेटा? हिंड ब्रेन में मेनली तीन चीजें, हिंड ब्रेन में मेनली तीन चीजें हैं, सेरेबलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरेबलम, पॉन्स एंड मेड्यूला बेटा, अब इन सब के क्या क्या काम है समझते हैं, ठीक है। जो सेरेबलम है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट, पोश्चर्स, इन सारी चीजों को देखता है। वहीं पॉन्स जो है वो मेरे रेस्पिरेशन, जो सांस ले रहा हूं उसको कंट्रोल करता है। और मेड्यूला की बात करूं तो जो बेटा मेरा कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, उन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? मूवमेंट ऑफ अ ईसोफेगस, जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट है, वो मेरे हाथ में नहीं है, उसे कंट्रोल करता है मेड्यूला। ये सारी चीजें कौन करता है बेटा? मेड्यूला। क्लियर है ब्रेन पूरा? आगे बढ़ा जाए। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको न्यूरॉन बनाना आना चाहिए। कैसे बनेगा देखो, सिंपल। मेरी ड्राइंग खराब है भाई, उस पर मत जाना, तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर? क्या बताना है? डेंड्राइट, ये पता है आपको डेंड्राइट होता है, ये नर्व एंडिंग है बेटा, सारा आपको पता है, ये बताया हुआ है मैंने जब चैप्टर समझा रहा था, नर्व एंडिंग। ये क्या है बेटा? एक्सॉन। और एक्सॉन में ये जो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं माइलिन शीट। न्यूक्लियस या सेंटर, इस तरीके से। क्लियर है बेटा? पहला क्वेश्चन हो गया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन? अभी बताया था मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम, अभी पीछे आया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, अभी बताया था सेरेब्रम। ये दोनों याद रखना, अभी हमने पीछे पढ़ा है इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या करते हैं बेटा समझना, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन होते हैं? मान के चलो ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है बेटा, ये एक तवा है, ये समझ लो, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, मेरा अचानक से इस पर हाथ पड़ गया बेटा, क्या होगा? हट जाएगा अपने आप, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब सबसे पहले जब मैंने इस तवे को छुआ तो ये बात किसको पता चली? मेरे सेंस ऑर्गन को। किसको पता चली बेटा? मेरे सेंस ऑर्गन को, मेरी स्किन को पता चली। स्किन ने ये बात किसे बताई? न्यूरॉन को, नर्व को। और वो नर्व ने ये बात मेरे ब्रेन तक या फिर मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई। तो जो नर्व सेल्स या जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को कहां से? मेरे रिसेप्टर, इसे बोलते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर से इफेक्टर तक पहुंचा, रिसेप्टर से कहां? सीएनएस तक, मेन यूनिट तक पहुंचाए, उसी को बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब बात आते हैं क्रेनियम क्या है। क्रेनियम एक बोन बॉक्स है बेटा, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बस इतना याद रखना है। फिर बात आते हैं वर्टेब्रल कॉलम क्या है। वर्टेब्रल कॉलम एक बोनी स्ट्रक्चर है बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। मोटर न्यूरॉन क्या है बेटा? सबसे पहले क्या हुआ, जब छुआ था तो स्किन को पता चला गर्म है, यानी रिसेप्टर को पता चल गया। तो न्यूरॉन ने ये बात कहां तक पहुंचा दी? ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक? कौन से न्यूरॉन ने? सेंसरी न्यूरॉन ने। अब वहां से कमांड आएगी कि यहां से हाथ हटाओ, तो वो कमांड ब्रेन से मेरे हाथ तक वापस कौन लाएगा? तो वो लाएगा बेटा कमांड मोटर न्यूरॉन। क्लियर है ये बात? क्लियर सारी चीजें? आगे बढ़ते, नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। सिंपल बेटा, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर मैंने बताया था, कोई चीज स्मेल आ रही है और उस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, तो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर यानी मेरी नोज। गस्टेटरी, गस्टेटरी बेटा मैंने कोई चीज टेस्ट करी, जैसे मैंने करेला टेस्ट किया, वो कड़वा लगा,
तो उसका कड़वा किसको पता चल रहा है? मेरी टंग को। तो टंग क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म। सबसे पहले बात आते हैं कि केमोट्रोपिज्म होता क्या है। तो केमोट्रोपिज्म सिंपल है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल सब्सटेंस। क्या बोला मैंने? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जब सीड हमारा जर्मिनेट हो रहा है तो पोलन ट्यूब स्टिग्मा के थ्रू जाते 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 कहां मिल जाता है? जर्मिनेट होके ओव्यूल में। तो ये जो रिस्पॉन्स हुआ, जो पोलन ट्यूब आई स्टिग्मा के थ्रू कहां? ओव्यूल तक। ये मूवमेंट ही क्या है? केमोट्रोपिज्म। क्या है बेटा? केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रॉपिकल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट? तो बेटा प्लांट्स दो टाइप के मूवमेंट दिखाते हैं, एक ट्रॉपिकल मूवमेंट, एक नेस्टिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट, कुछ भी बोलो। ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है कि कोई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टिमुलस है यानी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, सन के टुवर्ड्स या सन से अवे, ग्रेविटी के टुवर्ड्स या ग्रेविटी से अवे, ये सारे जो भी मूवमेंट है इन्हें बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल मूवमेंट। वहीं अगर मैं बात करूं नेस्टिक मूवमेंट की, तो बेटा नेस्टिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? जो मूवमेंट हमारी यानी किसी में उसमें डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का जो पौधा होता है बेटा, उसे छुआ तो वो श्रिंक कर जाएगा और जैसे छोड़ दिया वो वापस खुल जाएगा। क्लियर? इसमें एक पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट जो स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके टुवर्ड्स हो, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन प्लांट। गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। अभी वही बताया मैंने, एक था ट्रॉपिकल मूवमेंट जो कि हमारा टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता, एक नास्टिक मूवमेंट जो कि हमारा डायरेक्शनलेस मूवमेंट होता है, जो टच मी नॉट वाला बताया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? सिंपल है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? पाथ ड्रॉन बाय अ रिफ्लेक्स एक्शन। पाथ ड्रॉन बाय अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अगर ये तवा मुझे गर्म लग रहा है और मैंने इसे छुआ, तो ये बात सबसे पहले किसे पता चली बेटा? रिसेप्टर को। रिसेप्टर ने ये बात किसको बताई बेटा? मेरे न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को बेटा? सेंसरी न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से ये बात कहां तक गई बेटा? या तो ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बात किसको बता दी बेटा? दोबारा न्यूरॉन को, ताकि वो वहां से हाथ हटा ले। कौन से न्यूरॉन को बेटा? मोटर न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को बेटा? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन ने लास्ट में ये बात बता दी किसे? मेरे हाथ को, ताकि वहां से हाथ हटा सको। और हाथ यहां मेरा क्या है? इफेक्टर। क्लियर है बेटा? तो ये एक आर्क बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? तो यही बेटा सारे हमारे क्वेश्चन थे। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, बाकी कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के पीडीएफ में, तो वो करना ट्राई। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।